नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और ये है डीजो वॉच एस। डीजो जो कि रियलमी टेक लाइफ इकोसिस्टम के अंडर आने वाला पहला ब्रांड है और इनके हमने कई गैजेट्स ऑलरेडी उपयोग करे हैं, टेस्ट करे हैं, वीडियोस भी दी हैं आपको। अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। तो अभी ये एक बजट वाली स्मार्ट वॉच लॉन्च करी है इन्होंने। क्या आपने वीडियो को लाइक कर दिया? इस वाली वीडियो में जो लाइक्स का लक्ष्य है वो है 1999 और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी बहुत बड़ी सहायता होती है। 1.57 इंच की एक स्लीक ब्राइट टच स्क्रीन डिस्प्ले है, 110 स्पोर्ट्स मोड है, ब्लड ऑक्सीजन एंड हार्ट रेट मॉनिटर भी मिल जाता है, स्प्लैश एंड स्वेट रेसिस्टेंस है, 7 दिन की बैटरी लाइफ बोली जा रही है यहाँ पे और 150 प्लस स्टाइलिश वॉच फेसेस हैं। ये तो चार्जिंग डॉक हो ना, लो निकालो। ये चार्जिंग डॉक मिल जाता है इसमें, ये कुछ उत्तर पुस्तिका है और ये है ओके। ओ भाई साहब, ये क्या मेटल वेटल है क्या इसमें? ओ भाई बिल्लू, मेटल भाई इसमें, ये वाला जो भाग है ना भाई मेटल है और ये कर्व डिस्प्ले है। ये देखो यहाँ से दिख रहा है ना, कर्व्ड है, बिल्ड ही है जो ना वो कर्व्ड है, डिस्प्ले के साथ साथ ये भी कर्व्ड है। यहाँ पे बटन मिल जाता है एक और पीछे सारे सेंसर वेंसर मिल जाते हैं इसमें। स्टेप ऐसा छू के बताओ तुम कैसा लग रहा है? क्या सही लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सा है और बड़ी प्रीमियम से लग रही है ना। ये बकल वाला है ना, ये वाला को प्रेस करके ऑन करते हैं इसको। डीजो ये डिस्प्ले से कर्व से लग रही ना। डीजो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा ये स्कैन करके। ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो स्कैन किया इसमें तो अब ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओ भाई स्टार्ट एक्सपीरियंस, ये रिमूव ये अच्छी लग रही है यार, इसमें कोई और दूसरा वॉच फेस लगाना। तो बाय डिफॉल्ट ये वाला वॉच फेस लग के आता है जो कि एनालॉग वाला है। प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो हाँ यहाँ पे चार वॉच फेसेस मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ओहो देखो जैसे लग रहा है ना कि अंदर चिप है, प्रोसेसर है वो सब ना। हाँ ये बढ़िया लग रहा है यार। नीचे से ऊपर करते हैं तो एक्टिविटी, वर्कआउट, एक्टिविटी रिकॉर्ड्स, हार्ट रेट, SPO2, स्लीप इंफॉर्मेशन, वेदर, बहुत सारी चीजें यार। ब्रीथ ट्रेनिंग, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, अलार्म है, टाइमर है, स्टॉप वॉच है, रिमोट कैमरा है, फ्लैश लाइट, फाइंड फोन, सेटिंग्स में डायल। ओ भाई ये वाला लग गया। ब्राइटनेस अभी 60% पे है और ये है 100%। 550 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी डिस्प्ले में। ब्राइटनेस का थोड़ा सा आउटडोर टेस्ट करना पड़ेगा हमको। तो भाई साहब अभी हम यहाँ पे आउटडोर्स में आ चुके हैं और इसकी जो डिस्प्ले है ये अच्छी खासी ब्राइट है। आउटडोर्स में से विजिबिलिटी का कोई इशू नहीं आ रहा है तो डिस्प्ले ब्राइटनेस तो अच्छी है, परंतु जो कलर्स दिखते हैं ना डिस्प्ले में वो भी बहुत वाइब्रेंट दिखते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। सेटिंग के अंदर बहुत सारी स्क्रीन टाइम बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड पे है तो इसको हम 10-15 सेकंड तक कर सकते हैं, बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी इसमें। मेन्यू स्टाइल लिस्ट या ग्रेड, ठीक है अभी दिखाते हैं। रेस टू वेक वाला फीचर इनेबल्ड है, ये देखिए अब ग्रेड स्टाइल में आ गया है मेन्यू, तो एकदम स्मार्टफोन की तरह दिखता है ना। स्क्रॉल बहुत तेजी से जाता है, जैसे क्लिक करते ना तो पूरे स्क्रॉल जाते हैं धीरे धीरे, ऐसे करेंगे थोड़ा तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हल्का सा। ऊपर से नीचे करेंगे नोटिफिकेशन दिख जाएंगी, इधर से जाएंगे तो ओहो ये क्विक टॉगल मेन्यू है, यहाँ से भी आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं, सेटिंग पे भी जा सकते हैं, ब्राइटनेस भी ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये कनेक्टेड है। और इधर से जाएंगे तो एक्टिविटी मॉनिटरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, स्लीप मॉनिटरिंग, BPM, हार्ट रेट, वेदर में 5-6 दिन का रिकॉर्ड रहता है इसमें। तो अभी ये फोन से कनेक्टेड है, सिंपली यहाँ से हम प्ले पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बाकी यहाँ पे डीजो एप्लीकेशन के अंदर आपको और भी वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार के। ये मेरी बिल्लू ना प्राइमरी वॉच बनने वाली है क्योंकि हमको ना यही वाला शेप पसंद आता है भाई, सही बताएं तो स्टाइलिश, और वॉच पहन नहीं पाता क्योंकि वो थोड़ा बड़ी लगती है और जो बैंड होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही पतले होते हैं कि टच वच करने में दिक्कत होती है, नोटिफिकेशन ठीक से नहीं दिखती। ये वाला जो साइज होता है मुझे व्यक्तिगत रूप से भाई बहुत सही लगता है, एकदम परफेक्ट मेरे लिए। तो डीजो की ये पहली वॉच है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में लॉन्च हो रही है और स्टाइलिश भी है, स्लिम मेटल बिल्ड के साथ, और इसके अंदर आपको हेल्थ मॉनिटरिंग भी मिल जाती है, SPO2 हार्ट रेट सेंसर भी मिल जाते हैं, IP68 रेटेड है ये वाली स्मार्ट वॉच। ये भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मेरे पास ये सिल्वर ब्लैक वाला वेरिएंट है लेकिन इसके दो और रंग भी उपलब्ध हैं, सिल्वर ब्लू और गोल्डन पिंक। हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग भी मिल जाती है महिलाओं के लिए। आपके फोन में कॉल आएगी तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगी, यहाँ से आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन भी आ जाती है भाई इसमें। बाकी इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट मिलता है। जो बैटरी है इसमें वो 200 mAh की मिलती है। अब डीजो बोलता है कि भाई 7-10 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है आपको, वैसे ये वेरी करता है आपकी यूसेज के ऊपर। जो इसका वजन है स्ट्रैप के साथ लगभग 53 ग्राम का है, तो ऐसे भारी फील नहीं होती है। एक बार पहन के दिखाते ना भाई।
पहन के भाई एकदम सही लग रही है, एकदम कंफर्टेबल लग रही है और साथ में प्रीमियम भी लग रही है क्योंकि मेटल का फ्रेम है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। और मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप जो इसमें मिलता है ना, यही पसंद है भाई। ये स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड के ऐसे बीच में आता है, मिड में आता है, तो ये मुझे बहुत सही लगता है भाई पहनने वहनने में। ये ऐप का यूआई है, यहाँ पे स्टेप्स, कैलोरीज कितनी बर्न हुई वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। हार्ट रेट और SPO2 भी देखने को मिल जाएगा मेन मेन्यू में। और यहाँ पे जाके कुछ चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि कॉल रिमाइंडर को ऑन कर सकते हैं, रिमाइंडर सेटिंग जैसे पानी वानी पीने का रिमाइंडर रहता है ना उसे इनेबल कर सकते हैं। 3080 स्टेप्स चले हैं भाई साहब आज, 76 कैलोरीज हमने बर्न करी है। बाकी यहाँ पे एक्टिविटी ट्रैकिंग आपको बहुत सारी मिल जाती है, आउटडोर साइकिल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुटबॉल, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाती है। और डिजो ऐप के अंदर मोर स्पोर्ट्स में जाके ना यहाँ पे इतनी सारी और एक्टिविटीज मिल जाती है, इन्हें भी आप सिंक कर सकते हैं अपने वॉच के साथ, ऐसे क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर दीजिए। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वाली स्मार्ट वॉच 26 अप्रैल से सेल पे जाएगी और flipkart.com से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका जो रेगुलर प्राइस है वो रखा है कंपनी ने 2299 रुपए, परंतु इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत ये 1999 रुपए की मिल सकती है। और इस मूल्य पे ये वॉच मुझे ओवरऑल बहुत वैल्यू फॉर मनी लग रही है, अभी जितना मैंने टेस्ट किया है उसके आधार पे बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, एक बात मैं सदैव बोलता हूं हर स्मार्ट वॉच या फिर हर स्मार्ट बैंड के लिए कि SPO2 मॉनिटरिंग के लिए आप मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट को उपयोग किया करिए। तो मित्रों यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।